अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, फेफड़ा मसाला रेसिपी। यहाँ पर मैं बकरे का फेफड़ा और कलेजी मिक्स बना रही हूँ। बकरे का फेफड़ा हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और बनकर ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमें 2 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। 2 चीज़ पत्ता यहाँ पर देना है, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा तेल में हमें देकर इन्हें अच्छे से हमें चटकने देना है। जैसे ही चटक जाए तो यहाँ पे 2 प्याज को हमें ग्राइंड करके देना है। अब हमें इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अब हमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट देना है और इन्हें प्याज में अच्छे से हमें मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट पका लेना है, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन और प्याज का कच्चापन हमारा निकल जाए। 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो अब हमें यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले को ऐड करना है। तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमें देना है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर देना है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर देना है। मसालों को मिक्स करते हुए हमें फिर से इन्हें पका लेना है 2 से 3 मिनट। मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पर पक चुके हैं, तो अब फ्लेम को हमें हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। मसाले यहाँ पे अच्छे से भून चुके हैं, अब हमें फ्लेम को लो कर देना है या फ्लेम को आप ऑफ कर दें। और 1/2 कप यहाँ पे अच्छे से फेटी हुई दही हमें देना है, देकर हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हमें फिर से इन्हें 2 से 3 मिनट पका लेना है। यहाँ पे दही मसाले में अच्छे से मिक्स होकर पक चुकी है। यहाँ पर मैं फेफड़ा और कलेजी मिक्स बना रही हूँ। इसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ कि इसमें कोई स्मेल और ब्लड ना रहे। हमें एक बाउल में पानी लेना है, पानी में हमें 1 चम्मच विनेगर दे देना है और सारे कलेजी और फेफड़े हमें उसमें 2 से 3 मिनट भिगो कर रख देना। उसके बाद हमें 3 से 4 पानी वॉश कर लेना है, जिससे कि हमारे कलेजी और फेफड़े में कोई स्मेल नहीं रहेगी और ब्लड नहीं रहेगी। हमारी कलेजी और फेफड़े अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अब हमें 1 चम्मच तंदूर मसाला दे देना है, जिससे कि टेस्ट और फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हमें यहाँ पर 1 चम्मच नमक दे देना है। अब हमें मसालों के साथ अच्छे से नमक को मिक्स कर लेना है। अब हमें मटन के फेफड़े और कलेजी को यहाँ पर दे देना है। मसालों के साथ कलेजी को अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें हमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, यह खुद के पानी रिलीज करती है। खुद के ही पानी में पक कर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो कलेजी हमारी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट एकदम मुलायम बनकर तैयार होती है और बहुत ही जल्दी गल जाती है। मीडियम फ्लेम पर इन्हें तब तक पकाएं जब तक कि कलेजी और फेफड़े हमारे पक कर सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर इसे हमें 1 से 2 बार खोल लेना है, खोल कर इन्हें चला लेना है, जिससे कि मसाले हमारे तले में सटे नहीं। अब यहाँ पर रोस्ट किए हुए हमें कसूरी मेथी दे देना है, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1/2 चम्मच यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर दे देना है हमें और देकर हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये रहे हमारे कलेजी मसाला बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। यहाँ पर कलेजी हमारी बनकर रेडी हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि कलर कितना बढ़िया आया है और सारे तेल भी सेपरेट हो गए हैं। आप इसे नान, पराठा, पूरी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। हाँ, और इसे दाल चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मजे की लगती है। एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे जरूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।